हम ज्ञान के पीछे काफी है, हमें ज्ञान लेने की बहुत इच्छा रहती है, लोग ज्ञान लेने के लिए बहुत हंगरी है, मुझे ये मालूम करना है, मुझे वो मालूम करना है, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा ज्ञान लोग लेते रहते हैं। लोग YouTube के ऊपर ज्ञान लेंगे, किताब पढ़ेंगे, कुछ सेमिनार्स करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, ज्ञान लेंगे, मगर इम्प्लीमेंटेशन का क्या? इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते लोग, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तकलीफ है। इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे तो सेटिस्फाई होंगे, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ज्ञान लेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ताकत लगती है, एक्शन लेने के लिए बहुत ताकत लगती है। और फिर सब चीज़ें पास में होने पर भी हमें खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ज्ञान लेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जो चाहिए वो मिलता नहीं है। मेरे पास में छोटी कार है तो मैं उसमें समाधानी नहीं हूँ, मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार आने के बाद में फिर और बड़ी कार चाहिए। दो बेडरूम का फ्लैट है तो मुझे तीन बेडरूम का चाहिए, और तीन बेडरूम का फ्लैट है तो मुझे अभी पाँच बेडरूम का चाहिए। समाधानी नहीं, खुशी नहीं है, मगर जो है उसमें हम समाधान सेटिस्फैक्शन पाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जहाँ है वहाँ समाधान, जहाँ है वहाँ खुशियाँ, और जो चाहते उसके लिए एक्शंस, तो बहुत मजा आएगा। मगर हमको जो नहीं है उसके लिए बहुत चिंता है, जो नहीं है उसकी फिक्र है, मगर जो है उसके प्रति हमें कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कुछ ग्रेटिट्यूड नहीं है कि भाई मेरे दो हाथ दो पैर है और मेरी बॉडी तंदुरुस्त है, इसलिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करता हूँ। जब नहीं है तो चिल्लाऊंगा कि मेरे को नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया करके। एकाधे व्यक्ति के पास में हाथ नहीं तो चिल्लाएगा मेरे पास में हाथ नहीं, रोएगा धोएगा जो भी करेगा, मगर अभी हाथ नहीं है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, एक हाथ तो है उसका स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मगर फिर हाथ नहीं है करके चिल्लाएंगा, रोएगा धोएगा जो भी करेगा वो करेगा। तो जो है उसका स्वीकार करना, जो है उसको एक्सेप्ट करना, जो भी परिस्थितियाँ हैं उसका स्वीकार करना, और आगे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए करना। इसका मतलब ऐसा नहीं है स्वीकार किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आगे कुछ नहीं करना, आगे तो करना ही, जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके लिए तक 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 नहीं करना, उसके लिए ऐसा लालच नहीं करना, उसके लिए दौड़ धूप नहीं करना है। इसलिए हम हमेशा बोलता हूँ कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना आप रोज करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदेमंद होगा या फायदेमंद रहेगा। प्रार्थना कौन सी है? प्रार्थना ये है कि रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जो परिस्थिति मैं बदल सकता हूँ उसको बदलने की ताकत मुझे दे, जो परिस्थिति मैं बदल नहीं सकता हूँ उसका स्वीकार करने की प्रसन्नता मुझे दे, और कौन सी परिस्थिति मैं बदल सकता हूँ और कौन सी परिस्थिति मैं बदल नहीं सकता, ये दोनों का फर्क जानने के लिए मुझे बुद्धि दे। यदि हम ये प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या बदल सकता हूँ और क्या बदल नहीं सकता हूँ, वो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए, जो बदल सकता हूँ वो बदलने की क्षमता ताकत ही चाहिए मुझे मिलनी चाहिए, और जो नहीं बदल सकता हूँ उसको स्वीकारने की मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ये आप रोज करते हैं तो डेफिनेटली आप 24/7 खुश रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।